ये बताइए कि शादी कैसे हो रही है? अरेंज मैरिज है, लव मैरिज? अरेंज मैरिज। लड़के को देखा है? नहीं। लड़के से बात किया है? नहीं। लड़के को देखा भी नहीं है, लड़के से बात भी नहीं किया है, तो बस शादी के लिए हाँ कर दी? हाँ। किसने चुना लड़का आपके लिए? मम्मी पापा। अगर लड़का अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया, तो क्या कीजिएगा? साथ निभाना। घबराहट हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की टीम इस वक्त महाराणा प्रताप भवन में मौजूद है और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम दुल्हन तैयार हो रही है। जी, अपने बड़े दिन के लिए, अपनी शादी के लिए वो तैयार हो रही है, यानी कि अपने दूल्हे राजा के लिए वो तैयार हो रही है। तो आइए फिर इनसे बात करते हैं और आपको इनकी कहानी से रूबरू भी करवाएंगे। चांदनी कुमारी तैयार हो रही है जी। अच्छा, ये बताइए किसके लिए तैयार हो रही है इतना? जी, शादी के लिए। शादी के लिए, दूल्हे राजा के लिए जी। क्या नाम है उनका? विश्व रंजन जी। अच्छा, ये बताइए लव मैरिज या अरेंज? अरेंज मैरिज। ओहो, तो अगर पसंद नहीं आए दूल्हे राजा तो? बिल्कुल, मम्मी पापा को मर्जी है तो हमको क्या करना है। अच्छा, जैसे ही रहना है रह नहीं सकते ना। अच्छा, तो कभी देखा है उनको, बातचीत किया है? जी, देखे। कैसे लगे? ठीक है। ठीक है। घबराहट हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। कि ऐसा कैसा लग रहा है? देखिए, शादी है, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, डर लग रहा है जी। कि ससुराल वाले कैसे होंगे, दूल्हा कैसे, मैनेज कैसे करेंगे, घबराहट हो रही है जी, ना जी। अच्छा, ये बताइए कि सामूहिक विवाह क्यों किया? अलग से शादी हो जाती, कोई परेशानी थी? जी, मेरी मम्मी पापा हमेशा बीमार रहते हैं, पैरालिसिस से पूरा पैर काम नहीं करता है। पैरालिसिस अटैक आया है जी माता पिता को जी, जिसकी वजह से अफोर्ड नहीं कर पाते कहीं पर शादी जी, तो यहाँ पर आई है। लड़के वाले भी तैयार हो गए जी। तो लड़के वाले ने क्या कभी तिलक भी मांगा? जी नहीं मांगा, बस दुल्हन मांगी। दुल्हन मांगी, बस आपका हाथ मांगा लड़के ने जी। चलिए, खूबसूरत लग रही है आप, क्या नाम है? अंजलि कुमार। अंजलि, अंजलि कहाँ से आई है? काजी चक से जी। काजी चक से। अच्छा, ये बताइए कि किसके लिए इतना सज धज कर तैयार, लिपस्टिक लगा कर, आईब्रोज बना कर तैयार हुई है? शादी के लिए। शादी के लिए। ओहो, कैसा लग रहा है बोलते वक्त कि शादी के लिए? मतलब हर लड़की के लिए ये बहुत बड़ा दिन होता है और आप तैयार हैं आज शादी के लिए। घबराहट है? घबराहट है या खुशी, एकदम सच सच बताना है। खुशी ना है, घबराहट है कि? खुशी है ना, घबराहट है जी। अच्छा, कौन कौन आया है आपके साथ? पापा आए हैं, भाभी आए हैं। अच्छा। भाई आए हैं। अच्छा अच्छा, ये बताइए लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? रिंग मैरिज जी। रिंग मैरिज। अरेंज मैरिज है। अच्छा, कस के बोलना है, अरेंज मैरिज है आपकी जी। लड़का क्या करते हैं? लड़का कपड़ा वाला दुकान में। कपड़ा वाला दुकान है। अब तो आपको कपड़े की कोई टेंशन नहीं है, हर दिन अलग अलग नया नया कपड़ा पहनेंगी। अच्छा, ये बताइए कि सामूहिक विवाह क्यों कर रही हैं? मंदिर में भी शादी हो जाती, लोग अलग से हॉल बुक करके भी शादी करते हैं, आप यहाँ क्यों आई हैं? जब गार्जियन सब आते हैं, परेशानी है घर में जी, फाइनेंशियल परेशानी है जी, इसलिए यहाँ पर लेके आए। लड़की को एतराज नहीं हुआ जी? अभी तैयार है। क्या नाम है? रेणु कुमार। किसके लिए एकदम सज धज के तैयार है? दुल्हन के लिए। दूल्हे का नाम क्या है? अनुपम कुमार। शर्माना नहीं है? अच्छा, ये बताइए कि क्या करते हैं लड़के? लड़कन को पढ़ाते हैं जी। लड़कन को पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं, टीचर हैं। अब तो आपको भी पढ़ाएंगे, बताएंगे ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, तैयार है उसके लिए? कि आप उनको पढ़ाइएगा, क्या होने वाला है? वो पढ़ाएंगे कि आप पढ़ाइएगा? वो पढ़ाएंगे आपको, आप नहीं पढ़ाइएगा? अच्छा अच्छा, ये बताइए कि उनसे बात उत हुई है? लड़के से बात हुई है? क्या बोलते हैं आपको, क्या कहते हैं? अच्छा, ये बताइए कि लड़के से बात हुई है? अच्छा, लव मैरिज है क्या? ना। अरेंज मैरिज है। घबराहट हो रही है? यहाँ पर आने का क्या रीजन है, सामूहिक विवाह क्यों कर रही है? पापा मम्मी परेशान थे। पापा मम्मी परेशान थे शादी के लिए? पापा मम्मी यहाँ लेकर आए हैं? घर में दिक्कत थी किसी चीज की? अच्छा अच्छा, ये बताइए कि लड़के ने तिलक वगैरह भी मांगा? ना।
कुछ कहा कि चुपके से डाल देना गाड़ी में मेरे? ना। नहीं लग रहा है कि आगे का जीवन अच्छा होगा उनके साथ। हाँ। किसके लिए? पति के लिए। जी इतना शर्मा के किसके लिए? शादी के लिए तैयार। शादी के लिए तैयार हो रही है? कहाँ से आई है? नारदीगंज नवादा जिला पड़ता है। नवादा से आई? नवादा से इतना दूर बस शादी के लिए आई है? कौन कौन आया है साथ में? मेरा मम्मी आई है, दीदी आई है। पापा? पापा मेरा नहीं है, डेथ हो गया। डेथ हो गई है? अच्छा, हस्बैंड क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, दुकान खोले हैं। अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं? नहीं, दुकान खाली कपड़ा खोले हैं। खोलेंगे दुकान? कपड़ा सीते हैं। कपड़ा सीते हैं? अच्छा ये बताइए कि डर लग रहा है? हाँ डर तो लगेगा। क्या घबराहट किस बात की हो रही है? हर बात की घबराहट है। हाँ तो? सास है आपकी? डर लग रहा है सास से? काहे, सास कैसा रहेगा, ससुर कैसा रहेगा, कौन जानेगा। पति कैसा रहेगा, तब समय सब ना करवा देता है। अरेंज मैरिज है? नहीं। लव मैरिज है? नहीं, अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है ना? तो डर लग रहा है कि पति कैसा होगा, समझेगा कि नहीं समझेगा। तब बातचीत हुई है पति से? नहीं, आज बोली हुई है, आज ही बातचीत होगी बस। अरे तो अच्छा ये बताइए कि कल को पति अगर कुछ समझाते हैं तो मानिएगा बात कि अपनी बात समझाइएगा उनको? समय आएगा पर हम भी समझाएंगे, समय आएगा पर वो भी समझाएंगे। बड़ी बात कह रही है कि समय आएगा तो कभी हम भी समझाएंगे, कभी उनको मेरी भी सुननी होगी और हम उनकी भी सुनेंगे। तभी रिश्ता चलता है, तब एक खासियत हुई पति बनता है। मैम बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर शादी क्यों कर रही है, कोई परेशानी थी? मेरा पापा नहीं है, मेरा पापा नौकरी पर से बैठ के डेथ हो गया था ना, तो मम्मी बहुत मजबूरी, हम लोग आठ को बेटे हैं ना। हाँ। यह चलते हैं। इसी वजह से यहाँ शादी कर रही है। ठीक, क्या नाम है आपका? सरिता कुमारी। सरिता यहाँ पर किसके साथ आई हैं आप? आंटी के साथ। माता पिता क्यों नहीं आए? वो हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में एडमिट है? कौन हॉस्पिटल में है? गया में है। कौन एडमिट है हॉस्पिटल में? मम्मी है। मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है और आज आपकी शादी हो रही है, और शादी वाले दिन माँ बेटी के साथ नहीं है? नहीं। कैसा लग रहा है? अच्छा तो नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा है? माँ को मिस कर रही हैं? आप कैसी हैं माँ आपकी? पहले से ठीक हूँ। पहले पिताजी भी उन्हीं के साथ हैं? हाँ। अच्छा ये बताइए कि शादी कैसे हो रही है, अरेंज मैरिज है, लव मैरिज? अरेंज मैरिज। लड़के को देखा है? नहीं। लड़के से बात किया है? नहीं। लड़के को देखा भी नहीं है, लड़के से बात भी नहीं किया है, तो बस शादी के लिए हाँ कर दी? हाँ। किसने चुना लड़का आपके लिए? मम्मी पापा। अगर लड़का अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया तो क्या कीजिएगा? साथ निभाना है। लड़का पसंद नहीं आया तो साथ निभाना है, लेकिन माँ बाप का मान रखना है। हाँ। अच्छा ये बताइए कि घबराहट हो रही है? हाँ। डर लग रहा है? हाँ। लड़का क्या करता है? अभी तो कुछ नहीं कर रहा। लड़का अभी जॉब भी नहीं करता है और आप शादी के लिए हाँ कर चुकी हैं। हाँ। अब कैसे आगे की जिंदगी होगी? चलेगी चलेगी। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर शादी क्यों करने आई है, सामूहिक विवाह क्यों करने आई है? आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और लड़के की भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो यहाँ पर आई है। तो देखा आपने कि यहाँ पर दुल्हनों ने क्या कुछ कहा है। देखिए साफ कह रही है कि हम बहुत घबराए हुए हैं। बहुत दुल्हनों ने तो ये भी कहा है कि हमें पूरा भरोसा है कि माँ बाप ने हमारे लिए जो भी फैसला किया है वो हमारे हक में बेहतर साबित होगा। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।